और मतलब जब गर्मी हुई ना गर्मी पूरा गांव वाला ये बैठे कि एक डब्बा पैंट पीना खाने जंदे अपन गर्मी हमर गांव कोई कभी फ्रिज नहीं क्या हुआ कि पैंट हम गंडा गांगे केवल देखन के एक डब्बा एक बैठे कि गर्मी टाइम हर कोई घर घर ले बड़े डब्बा पैंट भरे जंदे अपन पीना गर्मी टाइम अच्छा मतलब ब्याह हुन जाना मगा मतलब ये हम जो ब्योली पैंट भी टिकाएंगे ये हमर पैंट यो माछ भी छे कोन माछ हां छोटा छोटा माछ ठीक हो जा बढ़िया जी दो कि लोग नहीं जाना सी माछ मारे ना ना ये पैंट हम माछ नहीं मारते भाई देखो हमारा थोपी सी हमारा छोरा का कदम हां क्यों मतलब आठ उठ बिठा नंदी लोड़ा सब का बच्चा अब देख ले जखे हम जमा जाए बहुत मजा अच्छी बात जो देखो भीतर भीतर भी छे बड़ बड़ा तो देखिए नोल है और फिलन आती है यहाँ पे गाँव में तो पानी को बैठी जाती है सबसे पुराना नवाला है पानी का स्रोत और यहाँ पे टैंक बना हुआ है मच्छियाँ हैं लेकिन पाली जाती है उड़ने का काम होता है इनको दाना खिलाया जाता है आटे के रूप में और बहुत ही उच्च विचार इस गांव के बहुत ही सुंदर ये टैंक देख सकते हैं आप सामने ये देखिए टाइल्स बिल्कुल दोस्तों जैसे हम आपको इस गांव का व्यू दिखा रहे हैं और ये जो तिबरी है ये राजा महाराजों की निशानी काफ़ी पुराने टाइम में और ये जो है प्रधान लोग यहां पर रहते हैं माल गुजार जो पुराने टाइम में कार्यकाल चलाते थे अंग्रेज़ों के साथ और ये मकान आप देख सकते हैं ये पुरानी धरोहर अभी भी खड़ी है यहां पे क्या हाल चाल चाहिए आप लोगों का ये बोल क्या हाल चाल फूल टोटल बढ़िया है लड़का आंख बंद हो गया है क्या बोलो कोई उन्नीस नमस्ते। अरे अब जो समय आ गया अब कौन लग रही है समय में ये को लास्ट नहीं लग दगड़ दगड़िया चल गया लग कहते गया चल ही ये तो हूँ ना हाँ चलो बढ़िया बढ़िया और खेती पाती बुआरी कर दे जी बुआर चल गया चल गई बुआरी बंद से खेत पाती हाँ हाँ तीसरा रात सासो अपनी बहू लगी मैं खुद लगी तो सनी माहौल लगी हाँ चल लगा एक दिन बचे लगा हाँ 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 दिन लगा किल घूम ले सासो बहू जो कि धानियों माँ मिलूं मिल घूम ले सासो दिल्ली कतानियों माँ अरे वाह बताओ क्या बढ़िया विचार सुंदर विचार एक भी और सुना देता सुना ही नहीं सक मैं दाने सुना सकती ना खोल मेरी सासो शिशु माँ का डाट जब तिल मर तब से मेरा ठाट और बहुत जीर्ण छीर्ण स्थिति में ये घर है तो बहन जी सबसे पहले आपका नाम मेरा नाम अनीता देवी तो बताओ समझ
समस्या है घर की पुराना मकान से बेरोजगार से हम रोजगार हमारे कुछ नहीं है कच्चे परिवार से बच्चा पढ़ने लिखने वाला छी समस्या इन से क्या और बात नौकर चाकर छे जब कोई ये था खर्च उठान नीचाने से बोल तुम उठाओ खर्च हम कन के उठान खर्च जब हमारा हम बेरोजगार छो बच्चा पढ़ने लिखने वाला छी मकान भर जिनका ला हम खर्च क्या बच्चों खन जिनका ला बच्चा भी मेरा दूर दूर दिन भी पढ़ना हूँ तो ये बगत हम बच्चों खन कह सकते खर्च हम अपन मकान अखन निकल सकते खर्च हम तो सरकार से इन उम्मीद से क्या हम तो ये मकान अखन कुछ दे मकान ऋण लायक हुए जाल जन के हम खन ये मूड दबी होला ना हम जन कह के कभी भी कुछ भी घटना हुए सकन हम दगड़े मकान दगड़े रात कभी नींद नहीं आंदे जब बर्खा हुन पिछल बार कद का ज्यादा बर्खा हुआ अच्छा तो दिन बहुत डर लाग हम बाल इना परिवार सहित हम दबे झुलो पर भगवान कह बदी कुछ भी कह सकन ये मकान दगड़े हम तो इन उम्मीद से क्या ये मकान शासन प्रशासन तक कोई पत्रचार भी कर, कोई लेटर काच दिनों काच प्रधान में करवा हमने पिछले कार्यकाल में क्यों ऐसा ये मकान जीरो बॉल मिल जाओ तुम तो सामान उमान पैसा वैसा तो आ तो कुछ नहीं सम मिल तो हम तो कुछ नहीं पका के चले अच्छे से हमारा बस बता का कुछ नहीं लॉकडाउन आवाज़ सवेरा तो लॉकडाउन भी खत्म हुआ तो तब भी नहीं आए इंतजार पर इंतजार करना सब पर मिलना मिलना नहीं। तो देखिए बहुत बड़ी समस्या है और ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए प्रशासन को भी कि भाई ऐसे लोगों को कुछ मदद मिलनी चाहिए। और जहाँ तक आपने देखा होगा कि कोविड में 2 साल खराब भी हो गए, कई लोग बेरोजगार भी रहे हैं और हर घर की यही स्थिति है। लेकिन इस गांव में आए हम तो यहाँ की स्थिति बताते हैं, ये मकान की काफ़ी जीर्ण जीर्ण स्थिति में है, कभी भी दुर्घटना को न्योता दे सकता है। तो हम इसी प्रकार के समाचार आपको दिखाते रहते हैं। तो दुंगदार गांव में है, काफ़ी समस्या हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक बहन जी और हमारे साथ हैं और सबसे पहले तो इनका नाम पूछना चाहेंगे हम, क्या नाम चाहते हैं? पार्वती देवी। पार्वती देवी, तो आप जैसे कोविड गुजरा यहाँ पे शिकायत इनकी आएगी, क्या शिकायत है आपको? कोरोना मतलब को तक फ्री राशन मिल हमारे ए पेला कार्ड चाहिए। जी जी, बी पेला कार्ड नहीं बनाए थे, नहीं बनाए तो सब सभी था राशन मिल फ्री हम तक तुम तक नहीं। अच्छा अच्छा, जब इनकम का कोई साधन नहीं मतलब आदमी थोड़ा मेंटल छे। अरे हम दिहाड़ी मजदूरी करी बच्चों को पढ़ाना छो राशन पैन करना। बिल्कुल जोर से बोलो, कोई बात जोर से बोलो जरा। तो देखिए समस्या बड़ी है, बहन जी का जो पति है वो भी थोड़ा दिमाग से कमजोरी है उनकी भी, और इतना बड़े परिवार को पालना एक बड़ी दिक्कत का काम होता है। और किस हालत में ये लोग गुजर रहे हैं इन्हीं को ही पता होगा। और ये समस्या अमूमन हर गांव की है और इस गांव की पहली समस्या। और बीपीएल लोग कौन कारण छाई रोग माने बीमार तो सभी कोना है ना, एपीएल लोग तभी दींदा राशन, बीपीएल लोग तभी दींदा, सब तभी दींदा, कहे कहता था राशन दे रहे गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट आने से कि हमने फ्री राशन दिया, फ्री राशन के दिया हमारे हिसाब से कुछ नहीं दे रहा। आज तक कोई हम तब बता दें एपीएल लोग तब बता दें कि 1 रुपया गवर्नमेंट अतर बड़े हुए फ्री राशन खा रहे, बोलो दबाव में रहेंगे तो बीपीएल वाले रहेंगे, एपीएल वाले कोई नहीं रह सकता। ठीक है, बहुमत दिया बीपीएल वाले देंगे, एपीएल वाले कभी नहीं दे सके बीजेपी को, इसमें है बीजेपी की गलती। ठीक है, ये बेंच कह रहे लिया है आज भी उन्हें टके रही जिस वाले बंगला कटा ले तो मजबूत नहीं है। देखो अगर मारा फील्डिंग देखना चीज नहीं पैसा बोलो है ना, और राशन अगर तब दिए बंजर खेती हूँ ना, 1-2 रुपये निकाला 10-15 रुपये का था, सरकार घाटा भी नहीं आंदी, और तेल की में देखो हर चीज की देखो, आलू की में देखो, ये नवंबर में 7-8 रुपये हूं आलू, आज डेट में 20 रुपये तेल आलू नहीं आना, पुराना आलू नया आलू 40-45 रुपये किलो हो, अगर नहीं हो रही तो तुम लोग भी तो खरीद रहे हो। टमाटर प्याज अगर नाम में भी 20 रुपये हम कैल खाना ले 70-80 रुपये कैल खाना, तेल 210 रुपये चल गया, जय तेल तो आज डेट में हम 100 रुपये लेने चाहे। पहले पार्टी में बोल के महंगे कह रहे महंगे कह रहे, ये पार्टी नहीं करना महंगे क्या, फ्री तभी तो फ्री मकान भी नहीं चढ़ने, फ्री लाइटिंग बाथरूम भी नहीं चढ़ने, राशन भी नहीं चढ़ना, फ्री देने कह था और लूटने पर सभी था, अगर नहीं लूटने तो बोलो सबको मिल रहा है ना राशन, तो कैसे देना है तो सबको नहीं देना है। नहीं जो घर इनके थी मैं दृष्टिकोण में दूसरी बात है कि जो गरीब घर में तो घर में आज भी गरीब है, अभी राशन कार्ड पता चाहिए कोई बंबई कोई कलकत्ता दिल्ली चले गई। दूसरी बार ये बोला कि उसके बाद क्या हो गया, बोला ये काम समाप्त, किले का वो काम पहले किले उठा रहे
उन लोगों का रुपये फ्री वेरी क्या ये तो जब निकलवाड़ा काम तो नाजी करवाओ थी है और दुई महीना सुधी वाला जो लोगों की ड्यूटी लगी गाँव में वही बताए बोल के ना भाई काम रद्द हुई क्या बड़े भाई कुलदीप रावत जी और अपने सभी गाँव वासियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ बहुत बहुत स्वागत चाहिए एक धुमदार गाँव और मेरा महिला मंगल दल जो अभी मेरा बहन अच्छी बिहार जी का भी नाम चलो जी तो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज और पहाड़ों की आवाज हर समस्या को गांव-गांव में उठाती आई है। झगड़ी काल का लास्ट गांव है दुंगदार गांव है और यहां से बिरुखाल बिलोक टच हो जाता है। ऐतिहासिक जगह ये त्यूलो रोतली जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे और आज भी नया नदी है यहाँ पे उस नदी के पास उनका जो है वहाँ पे कोई पहचान बनी हुई है कोई चीज़ है वहाँ पे उनकी और बिरुखाल में आपने उनकी मूर्ति देखी होगी वो चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे आगे जाके कभी जब बिरुखाल जाएंगे। समस्याएं इस चौपाल में क्या होगी यहाँ के लोगों की वो चीज़ें जानने के लिए वॉइस ऑफ माउंटेन यहाँ पे पहुँचा है और सबसे पहले यहाँ पे भाई साहब है। नमस्कार जी हमारे यहाँ ये समस्या है कि जो किसान सम्मान निधि है तो किसान सम्मान निधि में हमारे यहाँ हमारे जो किसान गांव में खेती कर रहे हैं उनको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है जबकि उन्होंने कई बार कागज सबमिट भी कर रखे हैं और जो जो बाहर है जो जबकि गांव छोड़ के बाहर रहते हैं उनकी खेती बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है और उनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। इसको मैंने कि सरकार को हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनके बारे में कोई जांच होनी चाहिए वास्तव में मैंने खेती कर रहे हैं उसको किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए। हमारे गांव में कई लोग हैं जिनको किसान सम्मान निधि जब खेती कर रहे हैं उस टाइम वो किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है। आप लोगों ने कभी पत्राचार के माध्यम से प्रयास किया पत्राचार के माध्यम से प्रयास किया मतलब कई बार उन्होंने कहा कि पहले वाले डॉक्यूमेंट आपके में कुछ दिक्कत है दोबारा डॉक्यूमेंट जमा किए दोबारा भी डॉक्यूमेंट जमा किए थे तो फिर भी उनके लोगों ने दो दो बार भी उसके बाद भी किए हैं है ना उसके बाद भी नहीं आ रही उनके सम्मान किसान सम्मान हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं रोल हमारे आगे जाता है और इसी से हमारे देवी देवताओं का जो है आराधना भी होता है इसी से पूजन भी होता है। यहाँ पे हमारे साथ लोग बहुत अच्छे हैं क्या नाम है अभी तक आपकी रोजी रोटी पे कितना फर्क आया है तो शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहोगे ये धरोहर हमारी अभी जिंदा रहनी चाहिए या आप बच्चों को भी इसमें आगे भेजोगे आप इस कार्य में या कहीं नौकरी करोगे। देखिए ये जो हमारे वादक यंत्र हैं और पहले भी काफी शुभ कार्यों में हम उनको ले जाते हैं चाहे जागरण हो जागरण हो या शादी ब्याह हो या देवी देवताओं का जो हमें स्मरण होता है उसमें भी हम इसको बजाते हैं तो बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कर्म है मातृशक्ति हमारे साथ है बुजुर्ग महिला है समस्या रखनी चाहिए क्या समस्या है समस्या ये देखिए लाइटिंग बने लोगों का पैसा यार हमरा नहीं आया बोले तो प्रधान जी ने प्रधान जी ने कहा बोले लोग में बिगो में अब जब तुम्हारा हर बना लेता मिला ला लोगों का मिल गई थे तो यार आधार भी हमरा नहीं मिला हेलो रहे बेरोजगार थी शासन प्रशासन से कोई मांग देखिए इनकी गए बाद शिकार हुई अभी और कई पहाड़ी में ये बता रहे हैं
जंगलात वालों को सूचना देनी पड़ती है सबको बता दें। और जो हमारा फॉरेस्ट विभाग है उनको पत्र परीक्षा तो है नहीं, समस्याएं काफी यहाँ पे गिनवाई है लोगों ने अपनी अपनी ओर से अपनी अपनी समस्या। आप जीवन बीमा करवाया था नहीं, थोड़ा बहुत मदद दिला पहले तो कहता गड़ी घटना घटे ना तो सरकार दिन घर में रहेगी क्या घटे बता नहीं मरा इन काम करो तो वो लोग आए थे कोई मदद नहीं करना चाहिए जीवन बीमा का ना पहले पहले जीवन बीमा का तो वही बात है 24 घंटे तक रहेंगे। अब वही बात का हो गई ना उद्योग ना करना ना वो आए थे कोई बताना चाहिए बता हाँ वो भी तो शासन का ढुलमुल रवैया हुआ है इनके साथ जो गाय बीमार हुई थी और उसके बाद मृत्यु हो गई थी और उस उनको ना उसका मुआवजा मिला ये इनका कहना है ना। तो ये भी समस्या है इस गांव में। और अगर जैसे राशन वगैरह फ्री बांट रही है सरकार, अगर इस हिसाब से शिक्षा और चिकित्सा को फ्री किया जाए, शिक्षा और चिकित्सा को थोड़ा शिक्षा और चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा कम उसमें किया जाए, थोड़ा उसमें छूट दी जाए, उससे मतलब काफ़ी कुछ विकास हो सकता है उत्तराखंड, ठीक है। तो मतलब सरकार को यही करना चाहिए कि जितना अनाज फ्री में बांट रही है, जितना वो कर रही है, उससे बढ़िया अगर शिक्षा और चिकित्सा फ्री में की जाए तो उससे मतलब उत्तराखंड का विकास हो सकता है। हम दुमदार गांव में थे, यहाँ की जन समस्या हमने सुनी, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे आंगनबाड़ी से हो, या गांव की अपनी व्यक्तिगत समस्या हो, वो समस्याएं हम वॉइस ऑफ माउंटेन पे आज यहाँ से ले गए हैं चौपाल से। तो फिर नए लोगों से नए गांव में मिलाने का काम करेंगे। हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी का बटन प्रेस करना न भूलेगा। देखते रहे आप पहाड़ों की आवाज। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। सिखी समालिया वा ए जावा ए जावा।